What is up guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Ojas and इस वीडियो में बात करने वाले हैं पंपिंग लेमा के बारे में. ओके सो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एंड शुरू करते हैं. मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ. L इज इक्वल टू इन ब्रैकेट ए रेस टू एन बी रेस टू एन एन इज ग्रेटर देन वन. ओके अब इसमें क्या दिया, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देखना है क्या दिया. एन इज इक्वल टू ग्रेटर देन वन दिया कि क्या दिया. बहुत जगह पे m इज इक्वल टू लेस देन 5 या m इज इक्वल टू ग्रेटर देन 10 ऐसा भी दिया होता है एंड यहाँ पे n की जगह पे m होता है बट दैट्स डिफरेंट केस. ओके तो हमें यहाँ पे रीड करना है. अब यहाँ पे m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है. यानी कि n का वैल्यू हमें या तो 1 लेना है या तो 1 से बड़ा लेना है, ठीक है. तो अब हर एक सिचुएशन के लिए लाइक दो तीन सिचुएशन हम ट्राई करते हैं, मतलब कंडीशंस ट्राई करते हैं. यानी कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 ऐसे. ओके n इज इक्वल टू 1 2 3 तक जाता है, ठीक है. उससे ज्यादा मतलब लेंदी हो जाएगा आगे गए तो अब सबसे पहले 1 में हम 1 डाल के देखेंगे इसमें तो क्या होता है, 2 में 2 डाल के देखेंगे क्या होता है और 3 में 3 डाल के देखेंगे क्या होता है, ठीक है. सो l इज इक्वल टू अगर हमने 1 डाला तो क्या आएगा, ए बी आएगा, ठीक है. अगर 2 डाला तो ए रेस टू 2 मतलब यानी कि ए स्क्वायर यानी कि ए ए बी बी आएगा क्योंकि फिर बी स्क्वायर भी आएगा. और अगर 3 डाला तो ए ए ए और बी 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 आएगा, ठीक है एंड सो ऑन, ठीक है. अब हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल लेना है एंड उसको या अब इसमें से कोई भी एक हमें चूज करना है, ठीक है. तो कोई भी एक चेक कर सकते हैं. सो मैं चूज करता हूँ ए ए बी बी, ठीक है. अब इसे इन इस जो भी हमने चूज किया है इसे हमें एक्स वाई जेड में डिवाइड करना है, ठीक है. तो अब मैं इसे डिवाइड करता हूं. अब एक्स वाई जेड है 3 कैरेक्टर्स का और ये 4 कैरेक्टर्स है. यू माइट बी वंडरिंग कि आप कैसे डिवाइड करेंगे. सो आप मतलब कोई भी कैरेक्टर को कितने भी यूनिट्स असाइन कर सकते हो बट बस बात मतलब बस रूल ये होना चाहिए कि कैरेक्टर्स को कुछ ना कुछ असाइन होना चाहिए, ठीक है. सो इसको हम एक्स कर दें, इन दो को वाई कर देते हैं एंड इसको हम जेड करते हैं, ठीक है. सो अब असाइन कर दिया. अब 3 केसेस है और उन केसेस के हिसाब से हमें देखना है कि उन केसेस मतलब वो केसेस राइट है कि नहीं. अगर सारे राइट है तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है. मैं आपको केसेस बताता हूँ एंड आखिरी में बताता हूँ क्या करना है. सो केस 1, ओके. केस 1 क्या है, एक्स वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू एन, ठीक है. तो एक्स वाई का मतलब क्या है, एक्स और वाई यानी कि कितने कैरेक्टर्स है. तो x यानी कि a यानी कि एक कैरेक्टर और y यानी कि ab यानी कि 2 कैरेक्टर. सो 1 प्लस 2 दैट्स 3 एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड n क्या है, n यानी कि सारे कैरेक्टर्स, n इज 4 सारे कैरेक्टर्स 1 प्लस लाइक 1 2 3 4, ओके 4. तो कंडीशन तो बराबर है, ओके. केस 2, केस 2 क्या है, वी हैव टू चेक दैट y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब y क्या है, यहाँ पे 2 है, ठीक है. ab यानी कि 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये भी बराबर है. अब केस 3, केस 3 में क्या करना है, w इज इक्वल टू x y i एंड z एंड i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके. अब हमें i का वैल्यू ऐसे लेना है जिससे कि मतलब पहले मैं i का वैल्यू लेता हूं कुछ भी आई का वैल्यू मैन लो और आई जो आई का वैल्यू जो भी हम लेंगे वो जीरो से बड़ा होना चाहिए. जीरो या जीरो टू इक्वल टू जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो या जीरो से बड़ा, ओके. सो आई का वैल्यू मैं 2 लेता हूँ. सो वाई सॉरी एक्स वाई रेस टू 2 एंड जेड. तो अगर इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे जो हमने असाइन किया था तो आएगा ए और वाई स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर और जेड, जेड यानी कि क्या था बी. तो अगर इसको हम खोलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए ए बी ए बी एंड बी, ओके. तो अब ये अब हमें देखना है और एक चीज, ये आई का वैल्यू हमें ऐसा चूज करना है कि जो आउटपुट है वो इससे मैच ना हो, ओके. अभी जो आउटपुट है वो इससे मैच नहीं हो रहा है, ठीक है. अगर आउटपुट मैच नहीं हो रहा है यानी कि इट्स नॉट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, ओके. सो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज या नॉट अ एल ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके और ऐसे सॉल्व करते हैं. सबसे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ क्या करना है. जो भी यहाँ पे दिया रीड करना है, यहाँ पे अब सपोज 1 2 3 1 या 1 से ऊपर दिया तो हम वो केसेस लेना है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कितने भी ले सकते हैं. उसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब एक एक चीज में डाल लेना है, देखना क्या क्या आता है. देन इसमें से कोई भी रैंडमली कुछ भी उठाना है
उसको डिवाइड करना है एक्स वाला जेड में और ये तीन केसेस उसको सॉल्व करना है। लास्ट केस में आई का वैल्यू ऐसे लेना है जिससे जो आंसर आता है वो इसमें नहीं हो। ठीक है, सो आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को प्लीज लाइक करो एंड अपने दोस्तों का शेयर करो। एंड सारे वीडियोज इस सब्जेक्ट से रिलेटेड मैंने सारे वीडियो जो भी बनाए इस सब्जेक्ट से रिलेटेड उन सारे सब्जेक्ट का एक प्लेलिस्ट बनाया जो मैंने जिस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। सो डोंट फॉरगेट टू चेक दैट प्लेलिस्ट आउट। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।